दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए, या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टेलीग्राम नंबर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। गिल्टी को डायरेक्ट किया है रुचि नारायण ने। स्टोरी फॉलो करती है नानकी दत्ता पर, जिनका किरदार निभाया है कियारा आडवाणी ने। ये एक सॉन्ग राइटर है, बहुत बोल्ड है, बिंदास है और विजय नाम के एक बंदे की गर्लफ्रेंड है। और विजय भैया कॉलेज में बहुत फेमस है, हर एक लड़की का सपना है, सब लड़कियां इन पर जान छिड़कती है। खैर ऐसा दिखाया तो नहीं गया मूवी में, मगर इसका एहसास हमें जरूर जताया गया। अगेन इस विजय बंदे पर एक लड़की रेप का इल्जाम लगा देती है और फिर यहां से चालू होता है एक बहुत ही अद्भुत ड्रामेटाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल विजय एक अमीर पॉलिटिशियन के लड़के हैं, सो ये बचने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर हमारे प्रिय वकील एके इन्वेस्टिगेटर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लड़की इन पर रेप का इल्जाम क्यों लगा रही है और आखिरकार उस रात हुआ क्या था। अब आप उससे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछेंगे कि विजय ने एक लड़की का रेप किया तो नानकी यानी कि कियारा आडवाणी का इस मूवी में क्या काम था। वेल जैसा कि मैंने कहा कि मूवी में बहुत ही अद्भुत ड्रामेटाइजेशन किया गया है और उस ड्रामेटाइजेशन के तहत कियारा आडवाणी आती है एंड अनफॉर्चुनेटली स्पॉयलर्स की वजह से मैं उस ड्रामेटाइजेशन के बारे में डिटेल में नहीं जा सकता। सो आखिर क्या हुआ था उस रात और आखिरकार इस रेप इंसिडेंट से किस किस के कैसे कैसे चेहरे सामने आते हैं और कौन कौन से लोग इस इंसिडेंट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ इसी स्टोरी को बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट इंसिडेंट से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है गिल्टी। गिल्टी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च 2020 को। मूवी 2 घंटे की है तो पॉपकॉर्न के साथ साथ आप थोड़े बहुत एक तो क्रोसिन की गोलियां भी लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि इस मूवी में बहुत ही अद्भुत ड्रामेटाइजेशन किया गया है। मूवी का नाम गिल्टी है मगर ट्रेलर से ये मूवी एक रेप विक्टिम की कहानी लगती है। मगर वेट, फिर मूवी का नाम गिल्टी क्यों है? क्योंकि हे, ये मूवी सिर्फ रेप के बारे में नहीं है मगर औरतों के ऊपर हो रहे इनजस्टिस या गलत हरकतों के बारे में भी है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी में ऐसे ऐसे शॉर्ट इंसिडेंट्स हैं जो कि रियल लाइफ में हो चुके हैं। जैसे इस आदमी का मास्टरबेट करना खुलेआम जब कियारा आडवाणी वहां से जा रही थी, इस बंदे का खामखा धक्का मारकर कियारा को टच करना एक्सेट्रा। हाँ शायद से सुनने में अटपटा लगता है, शायद सुनने में आप हंस भी रहे ऐसे इंसिडेंट्स पर, मगर जब ये आपके साथ में होगा या आपके किसी रिलेटिव के साथ में या किसी अपनों के साथ में होगा, ट्रस्ट में अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो एक ही जवाब देंगे कि ये रियली अगर हफ्ते में एक बार भी होता है या महीने में एक बार भी होता है या साल में एक बार या लाइफ में एक बार भी होता है तो वो बहुत ही टॉर्चर्ड फील करते हैं। मूवी में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने फायदे के लिए आपके साथ हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा फायदे के लिए आपके दुश्मन के साथ। मूवी में न्यूज एंगल भी कवर किया गया है और सबसे शॉकिंग चीज ये देखना थी कि कुछ लड़कियां खुद रेप विक्टिम का मजाक उड़ा रही होती हैं। सो मूवी की मेन स्टोरी रेप थी बट उसके साथ मूवी इन सारे छोटे छोटे चीजों पर जो कि असल जिंदगी में होती हैं उस पर बखूबी ध्यान देती है। अब आप पूछेंगे भाई पॉपकॉर्न का मतलब समझ में आया, सद्दत की गोली क्यों चाहिए? सिंपली कहूं तो मूवी बहुत स्ट्रेच कर दिया गया है, 2 घंटा उस अलिटल हाई आई मीन लाइक 1.5 घंटे में इस मूवी को खत्म कर देना चाहिए था। एंड मे बी शायद यही रीजन है कि क्यों मैं बॉलीवुड की मूवीज को उतना नहीं देखता एज कम्पेयर टू हॉलीवुड की मूवीज, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज मिनिमम कम से कम 2.5 घंटे की होती है। आई मीन इतने टाइम में मैं 2 हॉलीवुड की मूवी देख लूंगा। मूवी में कियारा आडवाणी को बहुत बोल्ड दिखाया गया है। इनकी एक सीक्रेट है, एक बीमारी है इनकी जो कि मूवी के एंड में रिवील होती है कि आखिर वो क्या था। वो सीक्रेट बहुत शॉकिंग था, सिर्फ वो सीक्रेट नहीं कैसे उस सीक्रेट को छुपाया जा रहा था। और भले ही शायद मूवी के स्टार्ट में कियारा के उन टॉर्चर्ड मूवमेंट्स को देखकर हमें मूवी थोड़ी इरिटेटिंग लगती है, मे बी बिकॉज हमें सच्चाई का पता नहीं होता, मगर जब एंड में सच्चाई रिवील होती है तब हमें जाकर यह एहसास होता है कि नहीं, वो जिस चीज से गुजर रही है, जिस टॉर्चर से गुजर रही है, ऐसा किसी के साथ में अगर ऐसा होगा तो शायद वो भी ऐसे ही फील करेगा। मगर मूवी में सबसे ज्यादा मुझे दानिश यानी कि ताहिर शब्बीर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। ये एक सीरियस बंदे हैं, अपने काम को सीरियसली लेते हैं और इस रेप केस को लेकर सच्चाई जानना चाहते हैं, और जब इसी के चक्कर में ये मूवी में इंटरव्यूज लेते हैं इनकी सीरियसनेस देखते ही बनती है। सच में कहूं तो अगर इनको किसी मूवी में एक साइलेंट विलन का रोल मिल जाए तो ट्रस्ट मी वो मूवी हिट हो जाएगी। मूवी में रेप विक्टिम का काम किया है आकांक्षा रंजन कपूर ने, जिनको हमें मूवी के स्टार्ट में दिखा दिया जाता है कि चालाक है, और जब इन्हें चालाक दिखा दिया जाता है तो हमारी नजर में ऐसा होता है कि यू नो व्हाट, मे बी रेप हुआ नहीं था, मे बी शायद ये लड़की झूठ बोल रही है। बट इन एक्सट्रीम कंडीशन कैसे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपने सोचने की क्षमता खो देता है उस इंसिडेंट से एज वेल एज अंडर प्रेशर में,
इस चीज को मूवी ने बखूबी कैप्चर किया। अब मूवी के स्पॉइलर की वजह से ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जब आप इनका कैरेक्टर देखेंगे, जब इनका रोल देखेंगे मूवी के स्टार्ट में, तो आपको बिल्कुल भी इनसे सिंपैथी नहीं होगी, मगर जब आप मूवी का एंड देखेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखिए, एक तरफ मूवी जिस टॉपिक को कवर कर रही है उससे मुझे सिंपैथी है। मैं ये मानता हूं कि औरतों के साथ में जो ऐसा होता है वो गलत हो रहा है, बट यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान देना कि जब मैं इस मूवी को रेट करूंगा, आई एम नॉट रेटिंग द इंसिडेंट्स, क्योंकि उस इंसिडेंट को मैं रेट नहीं कर सकता। आई एम रेटिंग द मूवी। मूवी में बिना किसी वजह के माँ बहन की गालियां दे दी गई है, जरूरत नहीं थी। मूवी का स्टार्टिंग 15 मिनट मैंने टीवी में देखा और 15 मिनट के बाद में मुझे तुरंत बंद करना पड़ा, क्योंकि लिटरली ये फैमिली मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसे 18 प्लस के लोग ही देख सकते हैं। देखिए, मूवी में एक टॉपिक कवर किया गया है जहां पर एक लड़की लोगों का अटेंशन लेने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कभी कभी हमें अटेंशन की जरूरत होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, हर किसी को अपने लाइफ में किसी न किसी से अटेंशन चाहिए होता है। मगर एक लड़की का, वो भी स्पेशली इतने ओपनली में, इतने लोगों के सामने अटेंशन के लिए अश्लील बातें करना, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। मे बी ये ऐसा होता होगा, बट मैंने ऐसा देखा नहीं है कभी। सो इसीलिए जब मैं ऐसे ऐसे सीन्स मूवी में देख रहा था, मुझे रियली वो सीन्स कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। देखिए, यहाँ पर मुझे मूवी से एक प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ वो ये दिखा रहे हैं कि औरतों के ऊपर जो रेप हो रहा है वो गलत है, औरतों के साथ में जो गंदी हरकतें हो रही हैं वो गलत है, लेकिन दूसरी ओर आप ये भी दिखा रहे हैं कि एक औरत जो है वो अटेंशन के लिए क्या क्या कर रही है। बेसिकली ये एक नेगेटिव साइड है। तो मूवी हमें औरतों के साथ में जो गलत हो रहा है वो भी दिखा रही है, प्लस औरतें कहीं ना कहीं जो गलत करती हैं वो भी दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से मूवी दोनों ही मैसेज हमें डिलीवर करना चाहती है कि जरूरी नहीं है कि औरतें हर एक चीज में सही हो, कहीं ना कहीं औरतें भी गलत हो सकती हैं। वेल, एक्चुअली ये मैसेज था मूवी का जो कि मैंने समझा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और मैसेज मूवी देना चाहती है तो प्लीज अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक ओके मूवी थी, बट आई विल नॉट गो हेड एंड रेकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज अकेले देखिए, फैमिली के साथ में बिल्कुल मत देखिए। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी गिल्टी का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज Netflix, Amazon, Hotstar, Z5 offers अगर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।